तो दोस्तों वाकई में अभी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। इस बार सर्दियां थोड़ा जल्दी आ चुकी हैं और इंडियन रेलवेज़ में यात्रा करके अभी और मज़ा आने वाला है। वैसे इतना ही नहीं, ठंडियां भी एक्सपीरियंस की मैंने और मानसून भी। महाराष्ट्र का जो मानसूनी मैजिक है वो मुझे इस बार फिर से देखने को मिला जब मैंने लखनऊ लोकमान्य तिलक एसी सुपरफास्ट में यात्रा की इस बार। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था और इसमें आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आई निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली बेंगलोर हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन हो चुकी है लूप, जहाँ तक मुझे लगता है अंडमान एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस और हुबली निज़ामुद्दीन, ये तीन गाड़ी ओवरटेक करने वाली। गुलाब जामुन जैसे घर में नहीं कभी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं वो वैसे ही लग रहा है। खाओ भाई राहुल भाई। बाकी पराठे सॉफ्ट हैं, एकदम सॉफ्ट है। मतलब टीवी से राजधानी में एक बार गंदे मिले थे लेकिन इसमें बढ़िया मिल रहा है। आलू की सब्जी पर दाल और सब्जी एक नंबर भाई, ज़बरदस्त खाना। तरफ ट्रेन का जो पराठा और सब्जी था हमें इतना अच्छा लगा ना, पेंट्री वाले भैया को बोल के अलग से सब्जी और पराठा फिर से मंगवाया। दोस्तों इस ट्रेन को हॉल्ट्स बहुत ही कम दिए गए हैं जिसके कारण ये दुरंतों की तरह भागती रहती है। हाँ लेकिन इसमें खाना पीना भी काफ़ी लाजवाब मिला है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं कानपुर सेंट्रल से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज हम लोग कानपुर सेंट्रल से यात्रा कर रहे हैं, वंदे भारत में नहीं, लखनऊ से LTT यानी मुंबई के बीच चलने वाली AC सुपरफास्ट में। और वो ट्रेन यहाँ पे शाम 5:55 पे आएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि बनारस वंदे भारत पीछे आ रही तो सुबह के 11 बजे होंगे, तो जी नहीं दोस्तों, अभी शाम के 5:10 हो रहे हैं। ये वंदे भारत आ रही है काफ़ी लेट, काफ़ी ज़्यादा लेट यहाँ पे आ रही है बनारस वंदे भारत, क्योंकि प्रयागराज में चल रहा है कुछ काम जिसके कारण ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं। शूट में सनसेट बहुत खूबसूरत हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये दिखा दें। वंदे भारत का आगमन कानपुर सेंट्रल पे हो चुका है। से ही हम लोग चाय ले आए थे, मैं और ब्लॉगर बबुआ भाई हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और कानपुर की चाय, नमक पारा, मिठाई उठाई सब लेके आए थे। और कानपुर में आपको दो तीन चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर अकेले आ रहे हो तो पॉड्स का स्टे कर सकते हो, कानपुर में पॉड खुल चुका है। और अगर आपको होटल करना है तो भैया का नंबर दे दे रहा हूँ मैं, नागेंद्र भैया हैं, इनके 5 होटल है कानपुर में और जिसमें से एक है गोविंदा रॉयल रामबाग चौराहे के पास, वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। इंटीरियर कुछ ऐसा आपको मिलेगा, साफ़ सुथरा बढ़िया, और 5-6 प्रॉपर्टी है, इनसे बात करके आप अपने लिए सस्ते रेट में बढ़िया रूम बुक करवा सकते हो। कभी भी किसी भी बिजनेस पर्पज़ से आ रहे हो या किसी भी काम से आ रहे हो घूमने फिरने, कानपुर में आपको बेस्ट मिल जाएगा। बाकी मेरा घर तो है ही और वहाँ अगर कभी हम लोग रहे तो एक मीटअप ज़रूर रखेंगे, फिलहाल वो चीज़ नहीं हो पाई है। बाकी हम लोग खाने पीने की बहुत सारी जगह एक्सप्लोर किए हैं, अब LTT AC का इंतजार है, उसमें जर्नी एक्सपीरियंस करना था क्योंकि हमने सुना कि वो झांसी के बाद 1:30 चलती है, तो वो चीज़ भी एक्सपीरियंस करेंगे और पूरा जर्नी एक्सपीरियंस आप लोग इन्जॉय करिए वाया झांसी, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल और नासिक। स्टॉपेज बहुत कम है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते ही होंगे क्योंकि हम सबकी लाइफ में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस तो है ही, खाने पीने का खर्चा, घूमने का, होटल का, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बिनोमो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में, जहां से आप ट्रेडिंग करके अपने लाइफ के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। यहाँ ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है, इसका जो इंटरफेस है वो भी काफी सिंपल है, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं मोहम्मद शमी यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, इसके लिए बिनोमो काफी ट्रस्टेबल हो जाता है। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं आपको 10,000 आपके डेमो अकाउंट में मिलेंगे, जहां से आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए ट्रेडिंग की। जब आप सीख जाते हो ना तो रियल अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हो, काफी सिंपल है। दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कैसे काम करना है। तो यहाँ पे बिनोमो का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट मिल जाएंगे, डेमो से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रियल से आप खूब सारी ट्रेड कर सकते हो।
और यहाँ पे डिपॉजिट के लिए भी आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे, आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो आप लोग, बहुत सारे मेथड है डिपॉजिट के लिए भी। और चलिए मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ, आपको सिंपली प्रिडिक्ट करना है ये जो ग्राफ है ये अप जाएगा कि डाउन जाएगा। मुझे तो लगता है ग्राफ अप जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 4000 रुपीज़ से शुरू करते हैं। चलिए ट्रेडिंग देखते हैं क्या होगा। अभी वाओ, आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने यहाँ पे 7360 रुपीज़ यहाँ पे कमा भी लिए, और जितना आसान यहाँ पे अर्न करना है उतनी ही आसानी से आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है, देख लो बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे चलिए 5000 रुपीज़ हम लोग विड्रॉ करेंगे। ऑप्शंस आप देख लीजिए, इतने सारे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक कर देना है सिंपली। देखा आप लोगों ने कितना आसान है बिनोमो से इनकम जनरेट करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करके अपने लिए आप और भी बोनस बना सकते हो। आप लोगों को बता दूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे रजिस्टर करिए, डेमो अकाउंट में पैसे मिलेंगे, प्रैक्टिस करिए खूब सारी, और उसके बाद रियल अकाउंट से ट्रेड करिए और अपने लिए इनकम जनरेट करिए। मिलते हैं जल्दी। शाम के समय में सेंट्रल बहुत खूबसूरत लगता है। आगरा इंटरसिटी यहाँ पे आई है और शाम यहाँ पे ढल चुकी है, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली। देख लो भाई अपनी ट्रेन आ चुकी है कल्याण के WT7 के साथ, ट्रेन नंबर 22122 LTT AC एक्सप्रेस। आगे B15 यानी 15 थ्री टीयर के कोचेस इसमें है। गाड़ी में पैंट्री कार भी है, तो खाना पीना तो खैर अपने को ट्रेन में ही मिल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। अपना कोच A1 है, ट्रेन में 3 2 टीयर के कोचेस भी हैं और 1 फर्स्ट AC भी है। चलिए तो ये रहा अपना A1, चलते अंदर। बाहर से तो चमचमा रहा है काफी कि गाड़ी से जो उम्मीद थी वो पूरी है। अरे भाई कर्टेन काफी जोरदार है, पीछे नहीं छोड़ रहा है, एकदम साफ सुथरी है भाई। चार्जिंग सॉकेट चारों यात्रियों के लिए दिए गए हैं 2 टीयर में, और विंडो वगैरह भी ठीक ठाक साफ है। यहाँ पे सनसेट हो जो कि हो चुका है, और अभी हमारे आसपास तो कोई पैसेंजर नहीं आया है। हम दोनों को लोअर बर्थ कन्फर्म हुआ है, स्पेस भी बढ़िया है एकदम, है ना, बिल्कुल मजा आएगा। खाते पीते आप लोग जर्नी एंजॉय करिए हम लोग के साथ, मजा आ रहा है। 5:55 का डिपार्चर टाइम था, गाड़ी निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। कानपुर सेंट्रल में ना आपको IRCTC के फूड प्लाजा मिल जाएंगे। मेन चीज़ क्या पता है, यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का स्टॉल भी है और बाकी स्नैक्स काउंटर्स भी हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे ये जो बग्गी है तो मैं हमेशा ही आपको स्टेशन में दिखाता हूँ, तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। बाकी एक चीज़ कहूँ, सनसेट बहुत सही हो रहा है, चलिए उस तरफ से वो देखते हैं पहले। कानपुर सेंट्रल का सनराइज एंड सनसेट दोनों ही बहुत खूबसूरत आते हैं, पहले भी आप लोगों ने मेरे साथ देखा है। खासकर जब गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही होती है ना, तो और भी सुंदर लगता है। यहाँ पे नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पहुँचते हुए, thank you।
गाड़ी को अपनी कानपुर से निकलते ही रोक दिया गया है। बाकी ये एरिया उतना सेफ नहीं है तो दरवाजे बंद ही रखेंगे, जब गाड़ी चल देगी तब वापस से दिखेंगे, कुछ कवर करेंगे। बाकी हम लोग दिल्ली लाइन से अलग हो चुके हैं, सामने दिल्ली लाइन निकल जाती है और हम लोग झांसी लाइन यानी वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी की ओर बढ़ चुके हैं। ये लखनऊ चेन्नई, अच्छा चेन्नई लखनऊ एक्सप्रेस, सेंट्रल रेलवेज़ की गाड़ियों में एक चीज़ अच्छी लगती है कि आपको ये एक बैग मिलता है जिसके अंदर आपको लिनन मिल जाता है ओढ़ने बिछाने के लिए, बहुत सही। और ये बैग पता है हम लोग तो लेके भी जाते हैं, बहुत काम आता है, काम भी आता है भाई यात्रा के दौरान। बाकी एक चीज़ कहूँगा, गाड़ी का चाउमीन यानी नूडल्स आ चुका है और रिव्यू हम लोग करेंगे ही, ले लिया है 50 रुपये का, टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। भाई ये देख लो, चाउमीन तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है यार, लेकिन एक संपूर्ण क्रांति का चाउमीन तो, और एक इसका देखो, ये लग रहा है इसे पानी में डूब के बनाया गया। लुक पे मत जाओ भाई, सही है ना, 10/10 से ऊपर का स्वाद है, इसका सही आ रहा है। नहीं भाई बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया, सही कहूँ तो संपूर्ण क्रांति का लुक अच्छा था और टेस्ट भी अच्छा था। इसका लुक खराब है लेकिन टेस्ट उससे अच्छा है। डिनर से उम्मीद बढ़ गया भाई इसके बाद, जबरदस्त बढ़, एक नंबर स्वाद इसका। पार करेंगे अभी बहुत तेज रफ्तार में कालपी रेलवे से, तो यहाँ अपनी ट्रेन आज की है उरई रेलवे स्टेशन। आप लोग को बताना चाहूँगा उरई का हम लोगों ने गुलाब जामुन पहले भी रिव्यू किया है, ज़बरदस्त होता है, 100 रुपये में आपको 10 पीस मिल जाते हैं और साथ ही साथ उरई के समोसे भी काफ़ी बढ़िया होते हैं, अगर आपका मन हो तो समोसा ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, हम भी ले लेते हैं यार, यहाँ पे समोसा मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है। गाड़ी यहाँ पे अपनी पहुँची है 7:50 पर, बाकी गाड़ी अपनी निकल चुकी है उरई रेलवे स्टेशन से। ठंड का थोड़ा थोड़ा असर यहाँ पे आप देखिए, हल्की हल्की धुंध यहाँ पे शुरू हो चुकी है लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रही है। बढ़िया एक्सेलरेशन यहाँ देखने को मिला है और दिवाली के पटाखे इस जगह पे फूट रहे हैं।
कंट्री कार का खाना काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। देखो दाल आलू की सब्जी सलाद और थोड़ा इसमें मटर पनीर और रोटियां दी हैं, मतलब पराठे दिए हैं, अच्छा लग रहा है खाना अच्छा साथ में। अच्छा। और ये समोसे उरई के और ये गुलाब जामुन, बस ये तो बस ले लिया था, एक ही प्लेट लिया, दोनों भाई लोग मिल के शेयर करके रिव्यू कर लेंगे। ये खाएंगे गुलाब जामुन तो खाएंगे, खा। चलो एक समोसे से उद्घाटन कर लेते हैं, थोड़ा गर्म भी है। तो समोसे और गुलाब जामुन में भी बहुत सारे वेंडर हैं तो टेस्ट बदलता रहता है। ये वाला समोसा तो बेकार है भाई, नहीं खाएंगे वाला। नॉर्मली अच्छा मिल जाता है समोसा जब हम लोग सुल्तानपुर एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं, LTT सुल्तानपुर, ज़बरदस्त मिला था यार। श्यांश भाई मल्हार भाई थे हम लोग, आज समोसे अच्छे नहीं मिले, ये नहीं खा पाएंगे। ट्रेन का खाना देखते हैं कैसा है। गुलाब जामुन जैसे घर में नहीं कभी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो वैसे ही लग रहा है। खाओ भाई राहुल भाई, तो मेरा फेवरेट है भैया, है ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमको तो खा सकते पूरा। हाँ मल्हार भाई 19 पीस खाए थे, मैं हम लोग याद है एक बार कानपुर तक एक एक डब्बा खा गए थे। आज चलो भाई ट्रेन का खाना रिव्यू कर लें। बाकी पराठे सॉफ्ट हैं, एकदम सॉफ्ट है, मतलब टीवी से राजधानी में एक बार गंदे मिले थे लेकिन इसमें बढ़िया मिल रहा है। आलू की सब्जी देख लें भाई, कनपुरिया स्टाइल लग रही है, और दाल जिसकी भी पेंट्री है ना गाड़ी में, बंदा जेन्युइनली खिला रहा है भाई। खाना ज़बरदस्त है गाड़ी का। मटर पनीर देख लें, तेल थोड़ा तैर रहा है उसके ऊपर। मटर पनीर तो एवरेज है, वो तो हर गाड़ी में कोई पनीर अच्छा खिला नहीं सकता है, पर दाल और सब्जी एक नंबर भाई, ज़बरदस्त खाना। और भाई टेस्ट कर लो एक बार, आलू सब्जी टेस्ट कर लो, दाल टेस्ट कर लो साथ में। 10 में रेटिंग देना है तुमको। दाल में बढ़िया, देखो सरसों के बीज भी पड़े हुए। 10 में 10 बिल्कुल। ये खाना अच्छा वर्थ है इस गाड़ी का, तो अगर आप नहीं भी लेके आते हो घर से तो इसका खा सकते हो खाना। बाकी ई कैटरिंग से आप झांसी और आने वाले स्टेशन में खाना ऑर्डर कर सकते हो, और गुलाब जामुन भी ज़बरदस्त हैं तो इन्हें भी निपटाते हैं। मिलते हैं आपसे सीधा वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी स्टेशन, साबरमती एक्सप्रेस। जो पराठा और सब्जी था हमें इतना अच्छा लगा ना, पेंट्री वाले भैया को बोल के अलग से सब्जी और पराठा फिर से मंगवाया। एकदम जो कानपुर में घर में जो सब्जी कलार के बनती है ना सब्जी, वो वाली सब्जी थी। पराठे एकदम सॉफ्ट एंड गर्मा गर्म, देखो इसको भाव भी आपको दिख जाएगी इसमें, देखो दिख रहा है एकदम गर्मा गर्म पराठे सर के, एकदम सॉफ्ट। ये देखो पूरे मुड़ भी रहे, भैया से मंगवा लिया है और इसका सेवन करेंगे गरम खाना, बस यही भैया। चलिए इसको फिनिश करते हैं, अब झांसी में मिलेंगे, स्वाद बहुत बढ़िया है इसका, इसको खाएंगे अच्छे से। हाँ तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, 6 पराठे हैं और ये सब्जी, इतना इसके लिए कितना हमें पे करना चाहिए, झांसी में रेट बताएंगे। वीरांगना लक्ष्मी भाई झांसी रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं, दिल्ली लाइन पर कोई ना कोई ट्रेन पड़ रही है यहाँ पर। हल्का हल्का पहाड़ भी आपको दिख रहा होगा, उसमें स्मारक भी बना हुआ है, दिख रहा है। क्या ज़बरदस्त रफ्तार में निकली है ही भाई मेन लाइन 130 वाली, तो शायद है कि झांसी के बाद हम लोग भी 130 की रफ्तार में चलें। ये भी कोई स्पेशल है क्या? बांद्रा देहरादून, बांद्रा देहरादून स्पेशल, क्या बदबू आया भाई इससे, मछली का जैसा ना सड़ा हुआ। ये समर स्पेशल ट्रेन है, अब जो छुट्टियों के लिए विशेष चलाई जा रही है दिवाली वगैरह के लिए। ठंडक हो गई अभी से, नागपुर के रास्ते चेन्नई को जाने वाली
तो यहाँ पे अपनी लखनऊ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस पहुँची है, एसी एक्सप्रेस पहुँची है वीरान लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे अपनी लखनऊ लोकमान्य तिलक एसी एक्सप्रेस पहुँची है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। खाने पीने की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह सब तो अवेलेबल है। बाकी एक चीज़ कहूँगा, ठंड यहाँ पे आ चुकी है। और रूट की बात की जाए झांसी से, तो आपको बांदा मानिकपुर प्रयागराज वाली लाइन मिल जाती है, जिससे हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस जाती है। हम लोगों ने ट्रैवल किया उसमें, साथ में अब हम लोग आ चुके हैं दिल्ली भोपाल मेन लाइन पे, जो कि आगे साउथ की ओर भी जाती है। काफ़ी फास्ट लाइन है, अब यहाँ से शायद हम भी 130 की रफ्तार में भागेंगे। हमारी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है, बीना बबीना ललितपुर कुछ भी हॉल्ट नहीं दिया गया है। अभी देख लो 9:17 का अरावल टाइम था, 45 पे आई है। और अगला हॉल्ट सीधा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यानी पुराना हबीबगंज, जहाँ पर ट्रेन रात में 3:15-3:30 पहुँचेगी। भोपाल जंक्शन में भी हॉल्ट नहीं दिया गया है। एसी एक्सप्रेस के हॉल्ट इसके बाद कम हो जाते हैं और रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन भाई टाइम ज़्यादा दिया है झांसी तक, 6 घंटे ज़्यादा हो गया, 4 घंटे तक ठीक था। ये हमारे मिले हैं, ये भी जा रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस में ना, और उनको भी लेके जा रहे हो? तो टिकट विकट मिला कि बस जनरल मिल गया ना? चलो अच्छा है, तो ये लोग भी जा रहे हैं, मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो मैं भी यहाँ से बिस्किट ले रहा था बस ऐसे ही, आप लोग से मिलके बहुत मज़ा आया। वीडियो देखते हो? हाँ देखते हैं। कौन से वाले मज़ा आया सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा वो एसी में कौन कौन सा खाना मिलता है। अरे वाह, कई लोग मुझसे बोलते हैं भैया स्लीपर में यात्रा करो, मैं कहता हूँ यार एसी में भी करेंगे, थोड़ा अच्छे से रूट कवर करने को मिल जाता है ना। यहाँ पे देख लो अपना डिपार्चर हो चुका है, डिपार्चर सिग्नल गार्ड साहब ने कितना बढ़िया ढंग से दिया। ये है लखनऊ LTT AC सुपरफास्ट। बाकी मैं इस वाले काउंटर तक आया था, यहाँ पे आपको सेब केला सब कुछ मिल जाएगा, फल वगैरह भी अवेलेबल थे प्लेटफॉर्म में। बड़ा रेलवे स्टेशन है झांसी, लेकिन अपना कोच जो है काफ़ी पीछे पड़ जाता है। देखो यहाँ पे मल्टीपर्पज़ स्टॉल भी है बीच में, मतलब रुमाल चेन वगैरह अब यार, तो ये सब चीज़ें याद रखना। और बैठने उठने के लिए यहाँ पे लाउंज भी है, सेलिब्रेशन लाउंज, यहाँ पे आपके थोड़े से पैसे लगेंगे 10-20 रुपये पर आर, फिर आपको सीट मिल जाएगी एसी में। खाना पीना खाने का तो एक्सप्रेस फूड काउंटर्स हैं, सब कुछ आपको प्लेटफॉर्म एक में मिलेगा। और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का शॉप भी है, जैसे भी चीज़ें आप याद रख सकते हो। गाड़ी यहाँ पे 5 मिनट के हॉल के बाद तुरंत ही निकल चुकी है, ये भी नहीं कि ज़्यादा देर रुकी हो कहीं पे, तुरंत निकली अपनी यहाँ से। यहाँ पे मालवा एक्सप्रेस और अंडमान एक्सप्रेस भी आ चुकी हैं। 4 नंबर पे मालवा एक्सप्रेस जो कि कटरा की ओर जा रही है, और अंडमान एक्सप्रेस 3 नंबर पे जो कि चेन्नई की ओर जा रही है, ये भी आ चुकी है। और मैंने जब मालवा एक्सप्रेस में यात्रा की थी तो मुझे इसका एक्चुअल नाम नहीं पता था, तो मैंने इसको मलवा बोल दिया था, काफ़ी लोग बुरा मान गए थे, माफ़ करिएगा, मालवा नाम है, मैं खुद से करेक्ट करता हूँ। और बाकी जर्नी यहाँ तक कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। तो वैसे मालगाड़ी होगी कोई, हाँ, और बीच वाले ट्रैक पे बेंगलोर राजधानी आएगी जस्ट पीछे पीछे, आ भी देखिए सामने से। ये
जे आई निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली है बेंगलोर हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। रात में ललितपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और लास्ट टाइम मालवा एक्सप्रेस के ब्लॉग में बहुत प्यार दिया था ललितपुर वालों ने, इसलिए मैं रात में भी इसे कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस देखिए रिवर्सल के बाद खड़ी है। सोने की तैयारी कर रहे थे पर हमारी ट्रेन हो चुकी है लूप, जहाँ तक मुझे लगता है अंडमान एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस और हुबली निज़ामुद्दीन, ये तीन गाड़ी ओवरटेक करने वाली हैं भोपाल से पहले। तो अभी निज़ामुद्दीन हुबली एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस वो शायद ओवरटेक करेगी, लेट्स सी ओवरटेक होता है कि नहीं। हमारा शक यहाँ पर सही था, हमें पड़ रहा है ओवरटेक किसी ट्रेन से। श्री राम, अंडमान एक्सप्रेस है, अंडमान 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 है क्या? अंडमान एकदम पीछे चल रही थी अंडमान एक्सप्रेस। अब अंडमान करके गई है तो हुबली सुपरफास्ट और गोवा भी करनी चाहिए कहीं ना कहीं, और यही ना हो जाएगा, यही हो सकता है जहाँ तक लगता है। अंडमान थी 100%। लखनऊ LTT एक्सप्रेस को इतना ज़्यादा स्लैक टाइम दिया गया है, मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, कि 130 चल रही थी गाड़ी, इसको 110 km/h चलने वाली गाड़ी ओवरटेक करके जा रही है, क्या बोले अभी। और इसके पीछे भी दो गाड़ियां हैं, आई होप कि वो टेक ना करें, पर कर दें तो वो भी आपको दिखाएं। देख लो ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, हमारा लोकेशन नहीं ले रहा है, जाखलौन में हम लोग खड़े हैं, अंडमान एक्सप्रेस अभी निकल के गई है, अच्छा जिरौन में हम लोग खड़े हैं, तो अंडमान जस्ट निकल के गई है, और पीछे हुबली सुपरफास्ट भी आ रही है, देखते हैं ये कहाँ पर, ये ललितपुर आ गई है, हम जिरौन पे हैं, 9 किलोमीटर बचा है, शायद है कि ये भी हमें ओवरटेक कर दें, ठीक है। और एक और गाड़ी हो सकती है अपनी गोवा एक्सप्रेस, हुबली सुपरफास्ट से पहले, भाई हुबली सुपरफास्ट से पहले गोवा एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करने आ रही है विदाउट एनी डाउट, हम यहीं पर रहेंगे, तीन गाड़ी ओवरटेक करेंगे आज। राहुल भाई तैयार ओवरटेक के लिए? भी गई है, अब इसके पीछे पीछे हुबली सुपरफास्ट भी ललितपुर तक आ चुकी है, हम लोग जस्ट 9 किलोमीटर आगे जिरौन पे, वो भी ओवरटेक करेगी। गया हुबली सुपरफास्ट ओवरटेक नहीं की है पर वो भोपाल तक तो कर ही लेगी, बाकी हम लोग थके हैं तो थोड़ा आराम करेंगे और आपसे कल जहाँ नींद खुलेगी वहाँ मुलाकात करते हैं, आगे की जर्नी को इंजॉय करिए।
बढ़िया रफ्तार में भाग रही है यहाँ पे। अभी मैं इसे ट्रैक कर रहा था तो अभी कुछ ही समय हम लोग खंडवा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। एक और चीज़ बताऊँ, गोवा एक्सप्रेस को हमने रात में ओवरटेक फिर से किया है, वो मैं ले तो नहीं पाया पर गोवा हमसे काफ़ी पीछे चल रही है। हम लोग देख लो अभी यहाँ पे चारखेड़ा खुर्द रोड पे हैं और गोवा एक्सप्रेस अभी खिड़किया रेलवे स्टेशन से निकली है जस्ट। सॉरी लोकेशन अपडेट नहीं हो रही, कहाँ गया खिड़किया। रूट में आपको इटारसी से भुसावल के बीच में ना नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा आएगा, तो कोई भी कुछ काम है ना तो उसे पहले से निपटा के आप चलना, मतलब यहाँ के इंटरनेट के भरोसे मत रहना, बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। तो खंडवा स्पेशली खंडवा से निकलने के पहले और खंडवा पहुँचने के थोड़ी देर बाद तक जंगल चलता है तो नेटवर्क बहुत बहुत ज़्यादा वीक आता है। और यहाँ पे देख लो गोवा एक्सप्रेस खिड़किया से निकल रही है और हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हम लोग यहाँ पे चारखेड़ा के आसपास हैं तो रात में ओवरटेक किया है उसे, बढ़िया भाग रही है हमारी ट्रेन अभी। गाड़ियाँ रुकती है तो फूल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं पर गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में यहाँ से निकल रही है। खंडवा से मीटर गेज रूट जो क्या अकोला के लिए बन रहा है अभी भी, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा पर जब वो बन जाएगा ना काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा इंदौर से अकोला या हैदराबाद लाइन की ओर आना, क्योंकि ऑलमोस्ट काम यहाँ का तो हो चुका है इंदौर से मुंबई तक का और सनाबाद से और यहाँ तक खंडवा तक का, तो बीच का जो पैच है उसमें काम चल रहा है वो भी बन जाएगा और फिर जब अकोला वाला रूट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो और मज़ा आएगा। यही रूट फ्यूचर में अकोला की ओर जाएगा, ये देख लीजिए जो ऊपर से लाइन जा रही है। हाँ जी, तो आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा बिलमो से एक्स्ट्रा इनकम जरूर ही जनरेट करें ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ये रजिस्टर करिए, डेमो अकाउंट में खूब सारे प्रैक्टिस करिए और रियल अकाउंट से ट्रेड करके अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करिए। जय हिंद दोस्तों। सुबह का ये जो कोहरा है ये छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये जो सफ़र है हमारा
भुसावल की ओर बढ़ चला था। आगे ट्रेन के हॉल्ट्स तो बहुत ही कम है, लेकिन जर्नी में अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी है। ट्रेन हमारी भुसावल जंक्शन पहुंचती है, वहां से हम खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट करते हैं और बढ़ चलते हैं अपने सफ़र में आगे की ओर, जहां मानसून वाली पूरी की पूरी वाइब आपको देखने को मिलेगी आगे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो के पार्ट टू को आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे। मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में इस जर्नी के, जहाँ पे मुंबई तक के सफ़र को आप लोग देखिएगा। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट पहले ही करना चाहूँगा कि अब एक साउथ का टूर शुरू होने वाला है, जहाँ पे 3 से 4 जर्नी मैं साउथ की करने वाला हूँ। बैंगलोर से जाने वाला हूँ मैं कोचीवेली यानी त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली। तो आप लोग अपने अपने पसंदीदा ट्रेन यहाँ पे गेस कर सकते हो। वैसे मैं बता दूँ कि तीनों ही गाड़ियाँ बहुत ही बेहतरीन ट्रेनें हैं अपने रूट की, तो टूर जल्द ही शुरू होगा। वैसे मिलता हूँ आप लोगों से इस जर्नी के पार्ट टू में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल एक्सपीरियंस इन्जॉय करते रहिए। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।